और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति की, जिसे लेकर बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ जो इतना बड़ा कदम उठाने का काम किया है। हम तो यही अनुरोध करेंगे कि बिहार ने जो प्रयोग किया उसका अवलोकन कर लीजिए, वह देश के लिए एक मानक स्थापित हो। मैं कहूँगा कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जब सरकार में शामिल दो दलों की नीतियां ही स्पष्ट नहीं है, दोहरा चरित्र राजनीति का एक बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी का देखने के लिए मिला। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, यह बिहार भी स्वीकार कर रहा है और देश भी स्वीकार कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसंख्या पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल है। तो यूपी सरकार की तरफ से जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए लाई गई नीति को लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। और ये देखिए आप कि बीजेपी और जेडीयू दोनों सत्ता में शामिल हैं, गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं पार्टियां। दो दिन पहले यूपी सरकार जनसंख्या नीति लेकर आई, लेकिन जब बिहार में जनसंख्या नीति को लेकर सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। नीतीश ने कहा कि सिर्फ कानून से जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। नीतीश के इस बयान पर बिहार सरकार में फूट। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने फौरन बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में भी जनसंख्या नीति जरूरी है। दूसरी तरफ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बिहार से आते हैं। बीजेपी सांसद हैं राकेश सिन्हा राज्यसभा में, और बीजेपी प्रवक्ता हैं निखिल आनंद। इन्होंने जनसंख्या नीति को जरूरी बता दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जनसंख्या नीति देश के लिए बेहद जरूरी है। तो एक तरफ नीतीश के बयान के बाद जेडीयू ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार में जनसंख्या नीति लागू नहीं होगी। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज सिंह, उन्होंने कहा कि जनसंख्या पर कानून नहीं बल्कि जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, वो कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल जनसंख्या नीति बिहार में लागू करनी ही होगी। संबंध में बिहार ने जो प्रयोग किया है वह बेहतर प्रयोग है और हम समझते हैं कि इसी प्रयोग के बदौलत ही जनसंख्या नियंत्रण आप स्थापित कर सकते हैं। बगैर सामाजिक जन जागरूकता के केवल कानून के बदौलत ये संभव नहीं। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में ये प्रभावकारी कार्यक्रम तय किए गए, उसके नतीजे भी निकल करके आए। हम तो यही अनुरोध करेंगे कि बिहार ने जो प्रयोग किया उसका अवलोकन कर लीजिए, वह देश के लिए एक मानक स्थापित होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर जो भी उन्होंने कहा है, निश्चित तौर पर उन्होंने एक कंसर्न जरूर जताया है। पॉलिसी इनिशिएशन से उन्होंने इनकार किया है, तात्कालिक संदर्भ में वे इसे जरूरी नहीं मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि जनसंख्या नियंत्रण, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सवाल देश के अहम सवाल हैं जिस पर पॉलिसी इनिशिएशन होना चाहिए, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो पॉलिसी इनिशिएशन किया है उसका हम समर्थन करते हैं, उसको अप्रिसिएट करते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार जो है वो जनसंख्या नीति को ना कह रहे हैं, और बिहार में जेडीयू की सहयोगी दल बीजेपी के नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जनसंख्या नीति को देश के लिए जरूरी बता रहे हैं। चाइना एक मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम एक मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, जमीन 2.5%। इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नज़रिए से देख करके इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ जो इतना बड़ा कदम उठाने का काम किया है। इसे जात धर्म राजनीति वोट बैंक को अलग करके देखना चाहिए। सीधे आपको लेकर चलते, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, बिहार में क्या हो रहा है, ये जनसंख्या नीति वाला जो मामला है ये दोस्तों जेडीयू और बीजेपी में दरार डालने का काम कर रहा है क्या?
देखिए रोमाना, निशाना जो है उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बिहार में आ गई है। नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया कि कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, तो जाहिर है कि बिहार में कानून लाने की बात नहीं होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि आज न कल इसे तो लागू करना ही होगा। जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सभी पार्टियां कमोबेश एक ही बात रख रही है, लेकिन कानून को लेकर के बीजेपी का पक्ष अलग है और जेडीयू का पक्ष अलग है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो वो ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि बीजेपी की जो नीति है उसे वो अपना रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान पहले से ही चल रहा है। दूसरी तरफ उनके कैबिनेट की जो मंत्री हैं रेणु देवी, उन्होंने पहले जो अपने प्रेस रिलीज जारी किए उसमें उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति जरूरी है, फिर बाद में उसे डिलीट कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि पुरुषों को साक्षर करना जरूरी है, जबकि नीतीश कुमार महिलाओं को साक्षर बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको जरा सा रोक रही हूं प्रकाश कुमार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।